देखिए ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी। हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से, हमारे सभी एनडीए घटक दलों की ओर से और पूरे हमारे एनडीए परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। वो 140 करोड़ भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र हैं और सदैव उनकी कविताएं, उनका साहित्य, उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी। मैम, उन्हीं की जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो। देखिए श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। ऑपोजिशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल? देखिए ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है।